हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आज मेरे साथ कुछ उल्टा ही हो गया यार। मैं मॉक दे रहा था और स्मार्ट की रखा SBIPO का प्रीलिम्स, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है तो मैं मॉक दे रहा था और उसमें हुआ क्या मेरे साथ, मेरे देखिए स्कोर 37.25 आ गए, जिसका कारण ये भी था कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन में 16 अटेम्प्ट किए थे, जैसे 15 सही एक गलत हो गया। मेरे मार्क्स हैं 14.75, परसेंटाइल 87.11। क्वांट में मैंने 35 क्वेश्चन थे, मैंने 25 अटेम्प्ट किए थे, 23 सही हुए, दो गलत हो गए। और इसमें मेरे स्कोर है 22.50, 99.76% है। जब मैं रीजनिंग सेक्शन में आया ना, तो क्या हुआ कि कर्सर ऊपर चला गया माउस का और मैंने सबमिट टेस्ट कर दिया और वो जीरो हो गया। मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया एक भी क्वेश्चन रीजन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 35/35 निलड़ा गया यार। इतना मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा था क्या करें। एक तो क्वांट में इतना कम मार्क्स आ गया था ना कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि मैंने 25 अटेम्प्ट किया क्वांट में। इसी चक्कर में क्या हुआ कि लास्ट में सबमिट टेस्ट होता है, सबमिट टेस्ट करके और वहाँ पे सॉरी एक बार और पूछता है स्मार्ट कीरा कि आप उसको यस करना चाहते, सबमिट करना चाहते यस और नो। मैंने पट से उस पर यस पे टिक कर दिया। इतना ज़्यादा मतलब हो गया मेरे साथ कि क्या ही कहूँ मैं यार। और एक तो फ़ोन से दे रहा था, इसलिए मैं फ़ोन से नहीं देता रहता हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप को चार्ज में लगा दिया था, वो बंद ही था, शट डाउन हो गया था लैपटॉप, तो उसको मैंने छोड़ के और सोचा कि चलो फ़ोन से ही मॉक देखे देखते हैं आज। पता नहीं इसी कारण से यही छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता फ़ोन में। और इसीलिए कहते हैं कि जब आप मॉक दीजिए तो आप बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि जो आपको जो आप देना चाहोगे फिर आप नहीं दे पाओगे। मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन बाद में देखे, 25-28 क्वेश्चन बन रहे थे मेरे से, 60 के अप्रॉक्स मार्क्स आते, 62-63 मार्क्स आते इस टेस्ट, इस मॉक में 65 के आसपास मेरे मार्क्स आते हैं इसमें। पर चलिए कोई नहीं, रीजनिंग मैंने देख लिया बाद में कि कैसा था इसका, कौन कौन सा नहीं था बना, मतलब इसका फिर से मैंने देख लिया था, जैसे कि दिखाता हूँ सोल्यूशन मोड में आपको। तो आने दीजिए एक बार ओपन हो जाए। तो ये था इसका रीजनिंग में, जैसे कि देखिए रीजनिंग में ये सब क्वेश्चन था, ये सब बनने वाला क्वेश्चन था, ये सब आपको अगर ये सब छूट गया तो रीजनिंग तो छूट गया। अब तो ये था हमारा, देखिए मतलब हल्का सा एक मिस्टेक करके और मतलब इतना हो जाता है इसका।